हाय गाइस, आज हम बनाने वाले हैं दम आलू। दम आलू की रेसिपी मुझे मेरी मम्मी ने सिखाई है। इसके लिए हमें चाहिए 2 से 3 छोटे कटे हुए बारीक प्याज, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें और अदरक और लहसुन। हम एक पैन में तेल ले लेंगे, मस्टर्ड ऑयल, और उसमें हम जीरा डाल देंगे। एक बार तेल गरम हो जाए तो उसमें हम अपना प्याज डाल देंगे, अदरक लहसुन डाल देंगे और कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब तक हमारा प्याज होता है, हम एक सेपरेट पैन लेंगे, उसमें 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और उसमें हमारे जो उबले हुए छोटे आलू हैं उनको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। याद रहे, ये तब तक फ्राई करना जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब तक ये हमारे आलू होते हैं, हम अपनी ग्रेवी पूरी कर लेते हैं। अब ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे देगी मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी आधा छोटा चम्मच और किचन किंग मसाला। ये मसाला आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आराम से मिल जाएगा। उसके बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसको हम तब तक मिलाएंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं करने लगता। जब इसका ऑयल बाहर की तरफ आ जाए तो इसमें हम टोमेटो प्यूरी या टोमेटो पेस्ट, आपके घर में जो भी अवेलेबल हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 टमाटर की प्यूरी ली है। इसको फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे खीस या खुरचन भी आप इसको बोल सकते हैं। खुरचन वो होता है जब हम घी बनाते हैं उसमें जो वो बचा हुआ पार्ट कढ़ाई में रह जाता है, ये ग्रेवी को एक डिफरेंट डेप्थ देता है। उसके बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और ग्रेवी को उबलने के लिए रख देंगे। जब ग्रेवी बन के तैयार हो जाए और उसमें उबाल आने लगे, तब आप उसमें फ्राई किए हुए आलू डाल दीजिए। आलू डालने के बाद हम इसमें गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून ऐड करेंगे, थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, सॉल्ट टू टेस्ट। उसके बाद हम उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे।
आलू मिलाने के बाद हम इसे ढक के 5 मिनट धीमी आंच पे पका लेंगे। तो हो गए आपके दम आलू तैयार। इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। इसको गार्निश करने के लिए हम अदरक, हरी मिर्च और धनिया पत्ता यूज करेंगे। और इसको आप सर्व कर सकते हैं रोटी, पराठा या चावल के साथ। Thanks for watching and don't forget to like and subscribe.